नहीं साधु बनकर। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु के साथ में बनावटी डूंडा ठा रखा बड़ा महात्मा दिखे, अंदर भक्ति है कंस भी को नहीं, ज्ञान गलत और भक्ति के साधना गलत तुम्हारी अंदर रखा खो, अंदर तो कुछ भी को नहीं। ऊपर नो दिखा बड़ा साधु संत कंठी कुठी माला पहर के, कहते कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का तन अंतर रखा खो। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। कहते घर तक छोड़ चला, जंगल में जाकर गुफा बना ली, फिर श्याम ने भूख लगी, फिर धक्के खाना गृहस्थी के द्वार गांव में दिए माई दिए माई, और माई दौरे था ना घर में, बनी बनाई रोटी मिल रही थी, भक्ति का पता चला नहीं, बेमतलब होकर भावुक मूर्खा के बह काय से जा बैठा जंगल में। अब खाना लेने के लिए फिर गांव में धक्के खाना आया। करवा और कॉपी लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृही द्वारे आवे हैं। खाकी और निर्वाणी नागा ये सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये भांग क्यों पीवे कि घर तक छोड़ जाए अपनी प्रेरणा से भगवान पाने की, फिर उड़ावे कुणबा याद, फिर ये नशे में गहरे रखे इनके गुरु, वो दिखे ना नू कभी चिंता सी करता चेला कोई घर याद आ गया, वह भांग घोट ले एक मार का ठूठा पड़ा रहा फिर सारा दिन, कदे भाग ना जा तुम्हारे पास से। इन नो वहाँ अपनी मजबूरी हो जाती है उनको रोकना। फिर कैसी कैसी साधना करते हैं, काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। कहती हैं सब बैदा है व्यर्थ है। फिर पूछा कि आप जी ने बैदा कैसे जाना, गरीबदास जी से पूछा कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया, हमें वो परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए थे कबीर जी, उन्होंने बता दिया इसलिए पता लग गया ये बैदा है। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादेव धावे हैं। बताओ ये भगवान नहीं भूल गए, शंकर का भी नाम ना लेते, ये अपने देखे होंगे कावड़ लावणी है बम्ब 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 बम्ब, भगवान शंकर का नाम भी ना लेते, बम्ब 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 भी कोई मंत्र है जो सारा दिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये दस नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचित को ना ये शिव ने करता ठहरावे हैं। उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, और शिव जी ने कहे मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर अद्र अमर, इनके कोई माता पिता नहीं। भाई बके आसन करें कपाड़ी ताड़ी ऊपर चरण हलावे हैं, अजब पासे तीमर हम नाही सबदम खाली जावे हैं। अब आसन करें हैं जैसे आपने देखा टेलीविजन पावे हैं लोग मूर्ख बनावे हैं, पेट न नो घुमाओ, और पेट के घुमाने तो भगवान मिल जाएगा बता, परमात्मा की विधि है वो करते नहीं। कहते हैं आसन करें कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं, शिरासन कर लें ऊपर न पर दिखावे, और अजप्पा से तीमर हम नाही सबदम खाली जावे हैं। उस अजप्पा जाप सतनाम के जाप का पता नहीं, सारे सांस व्यर्थ जा रहे हैं आपके। चार संप्रदा बावन दवारे बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। अब ये क्या करते हैं, जो इनको सच्चाई बता दे कि ये साधना गलत है, जो साधु संत को ये बतावे कि ये साधना करो, तो कहते उनसे लड़न लाग जा। श्यामी श्यायुज और सहा रूप कहलावे हैं, ये चार मुक्ति, चार मुक्ति की मरहम नाही आगे की क्या पावे हैं। इन चार मुक्ति बिना इनकी जो साधना कर रहे हैं, और सतलोक शाश्व स्थान तो इनको मिलेगा कहाँ से। एती सोंज बखाने मुर्शिद सोसत गुरु कहलावे हैं, कन फूका गुरु कलुआ भैरो सो हम को नहीं भावे हैं। कहते हैं ये इतना ज्ञान दे
वो सतगुरु, वो सच्चा गुरु हमको अच्छा लगे, वो सतगुरु कहलाता है। तीर्थ बर्तों फेरे खुलासा, जो पानी गल जात पतासा, ओ तालिब सपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। कार्तिक मास महात्म नावे, गया पैरागो पिंड भरुआवे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पछली सारिये खोई। कहते हैं कार्तिक के मास में उड़ ना कहोगे पुनवासी ने गंगा घाट पे और गया पे प्रयाग में पिंड भरवावे। कहते हैं रसना राम रटा ना कोई, भक्ति करी को ना अगली पछली सारी खोई। भविष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, पिछली कोई पुण्य था वो नष्ट कर दिया। कार्तिक मास महात्म नावे, गया प्रयागो पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। राम रटना माने सतनाम का जाप नहीं किया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जी मन जाही, ये सात जन्म सूख करके पाही। पैर जने ऊ फूले फाले, बामण होकर बहुगर घाले, उजड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगिद शाम अथर्वण भाखे, लादे बैलर टट्टू हाके, खर की जोन धरोगे देही, भूल गए वो शब्द स्नेही। कहते बैल के ऊपर एक गधे का भार रख के पोथिया ने घूमते फिरते हैं, शास्त्रार्थ करते। कहते हैं खर की जोन धरोगे देही, गधे बनोगे तुम, भूल गए वो शब्द स्नेही, परमात्मा को भूल चुके हो। कहते हैं सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए वो बाणा भोंदू, हरि बरहा धरे अवतारा, जाको भक्षण करें गंवारा। अब दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को लताड़ रहे हैं परमात्मा। कहते हैं हिंदू तो सूर खाते हैं, मांस खाते हैं, और मुसलमान गायें खाते हैं। तो कहते हैं तुम दोनों ही नरक में जाओगे। हिंदुओं को कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने बरहा रूप धारण किया, सूअर का रूप धारण किया, और फिर उस बरहा को तुम खा रहे हो। निर्लज्जो सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए बहु बाणा भोंदू, हरि बरहा धरे अवतारा, जिसको भक्षण करें गंवारा। फिर मुसलमानों को कहते हैं हक हक करते हैं हक्का, तीसों रोजे साबत रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खमारी। कहते सारा दिन तो भूखे मरे, तीसों दिन रोजे करते हैं, सांझ ने मुर्गी खा ली, पता के पुण्य आयो, कर्म बिगाड़ दिए। काजी खलक मुल्क को देखो, सब गट एक बाणा पेखो, गऊ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। जो गाय को खाते हो तुम, कहते हैं तुम्हारा नाश होगा। मुसलमान ईमान नम की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजे, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। ओए ओए। कहते मुसलमान ईमान नम की जय, कुछ दया करे, और पर द्वारे गले छुरी ना दीजे, किसी प्राणी का गल मत काटे। कहते भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, काजू किसमें सेब संतरे हलवा पकौड़ी कचौड़ी, इतने सुंदर आहार भगवान ने दे रखा, और फिर भोजन छोड़ तू लव मांस खावे, रुधिर क्यों खाई। मुसलमान ईमान नम की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजे, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। तुम भगत कहाओ, और जिसमें दया नहीं वो तो दुष्ट है, वो तो कसाई है। दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो साधु बना फड़े, भक्त नहीं है वो, ना मुसलमान है ना हिंदू है वो, जिसके अंदर इतनी दया नहीं। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नहावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साईं घट गर्मा। अब जैनियों को लताड़ रहे परमात्मा। जैनी जोग विजोगम साध्या, भूल गए उस अगम अगाधा, बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला,
घर ही कोस 50 पियारा, यो भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जान्या, ताते जन्म जन्म हो सवाना। जैनी जल थल पुरुष विराजे, जाकी सकल घड़ा वल बाजे। घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। यो भी बैधा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाण्या। हम सतगुरु भेंटे नू जाण्या। अब क्या बताते हैं कि जैनी जोग बिजोगम साध्या, और भूल गए उस अगम अगादा। जैनी जुलम गुलम योगेला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 पियारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये पांचों इंद्री कस कस मारो। अब क्या बताते हैं कि जैनी जुलम गुलम यू गैला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 पियारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैसे जैन धर्म के अंदर आपने आज सुबह के सत्संग में पढ़ा देखा, महावीर जैन जी के जीव की क्या दुर्गति हुई। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, उसके 293 से 296 पृष्ठ पर लिखा है। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये जैनियों की चर्चा आएगी इसमें। जैनी जन्म जुआ जो हारो, हो पांचों इंद्री कस कस मारो। कहते जुआ सा हार कर जाओगे, जो साधना तुम कर रहे हो, जैसे जुआरी हार कर आत्मसलता जा कर आए लुट गया। अब देखो एक थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, और इन्हीं ये लेखक हैं परवीन चंद्र जैन, एम ए शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, और लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, एम ए शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। विशेष प्रकरण 293 पृष्ठ पे श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं, इसमें ये पांच नाम बता रखे हैं। अब यहां से शुरू होता है कि महावीर, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर है पुरुरा नामक भील की पर्याय से, एक भील से। पुरुरा भील कौन था, उसने क्या किया। वो पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में एक भीलों का राजा था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरा भील की पर्याय माने शरीर से कहाँ गया। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर वाल की आयु वाला देव है, उस स्वर्ग से कहाँ गया। स्वर्ग से कहाँ गया के भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी रसभ देव का पोता था ये मारीची, और यही आगे चल के महावीर हुआ। फिर मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर ऐसे ऐसे फिर स्वर्ग। अब हम यहाँ आते हैं 295 पृष्ठ पर। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का 295 पृष्ठ पे, निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। हो अनेक भाव यानी शरीर धारण किए जो इस प्रकार हैं, हाय 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 हे भगवान। 1000 आंख वर्ष के भाव, 80,000 सीप के शरीर, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार वर्क केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के शरीर, 8,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी के भाव शरीर, और 60 करोड़ बार गदा ओतरा गज भैया, 30 करोड़ बार कुत्ते के शरीर, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री, 90,00,000 बार धोबी, 60 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60,00,000 बार गर्भपात से मरण, और केवल 80,00,000 बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। 80,00,000 बार देवता हुआ। फिर कहाँ गया उसकी ये सब भोग भाग कहाँ गया, फिर
राजगृह नगर में एक सथावर नामक ब्राह्मण होया, फिर मां स्वर्ग में गया, फिर ऐसे गया, फिर